ख्वाब न देखा कर ख्वाबा। वेलकम बैक टू माई चैनल कामनी सिंह। कैसे हो आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। एंड आज मैं फिर से लेके आई हूँ आपके लिए हॉल बहुत दिनों बाद। सो आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा होगा ना देख के कि फाइनली दी ने कोई हॉल शेयर किया, वरना बस ऐसा वैसा ही ब्लॉग शेयर हो रहा था और मन भी नहीं हो पा रहा था। कब से ये पेंडिंग था ब्लॉग, तो मैंने सोचा चलो ठीक है आज शूट करके डाल देते, क्योंकि उसी ब्लॉग में ही कंटिन्यू एक कमेंट आ रहा था कि मैंने जो पहना हुआ था किस पे बर्थडे पे जो गाउन पहना हुआ था वो कहाँ से लिया है। सो मैंने सोचा चलो ठीक है ब्लॉग ही शेयर कर लेते। तो आज मैं आप लोगों के साथ अमेजन हॉल शेयर करने वाली हूँ। हॉल क्या मतलब कि कोई एक पर्टिकुलर इसमें नहीं है कि सिर्फ ब्यूटी का या फिर कॉस्मेटिक जो फैशन का, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मिक्स है। तो सब कुछ है इसमें, तो सब मैंने सोचा कि एक साथ ही ये सारे ब्लॉग आपके एक साथ ही सारे प्रोडक्ट का जो वीडियो है मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। आज थोड़े से लड़खड़ा रही हूँ, इग्नोर करना। पहला मैं वही आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ जो कि ये वाला ग्रीन वाला गाउन जो कि मैंने अपने बर्थडे पे पहना था। मुझे नहीं लगता था कि ये इतना सुंदर है, बहुत टाइम से मंगा के रखा था लेकिन पहन नहीं पा रही थी। ससुराल में थी, मैं सोचती थी किसी फंक्शन में, फिर मैं सोचती थी सब आएंगे तो कैसे पहनूंगी, इसका दुपट्टा भी नहीं है इसके साथ, ये ऐसे ही अच्छा लगेगा। फिर बहुत अच्छा मौका मिल गया, लेके गई थी भाई की शादी में तो किसी चीज़ में नहीं पहन पाई, तो अपने बर्थडे में पहन ली। ये बैक पे सामने से कमर पे ऐसे कुछ बना हुआ जो कि बहुत सुंदर लग रहा था। इसका जो स्लीव है वो ऐसा है अम्ब्रेला से कुछ फ्रेल सा ऐसे बना हुआ, दो तीन तीन चार लेयर है इसमें, ऐसे आगे से प्लेन है और ये डिजाइन ऐसे दिया हुआ। नीचे का घेरा जो है वो तो माय गॉड, किसी को कहने की जरूरत नहीं, जिन्होंने मेरा ब्लॉग देखा है बर्थडे ब्लॉग उनको तो बिल्कुल भी बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी ये आप लोग देख लो बहुत ज्यादा है, मीन्स बहुत ज्यादा। जिन्होंने ब्लॉग नहीं देखा है बर्थडे वाला वो जाके देख लीजिए, मेरे चैनल पे है। एंड ये है नेट में और ये पीछे ऐसे जिप लगा हुआ है जिसकी वजह से फिटिंग काफी अच्छी आएगी। सो मुझे भी बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि ये गाउन इतना सुंदर इतना प्रीटी है। पहनने के बाद मुझे पता चला जब आप लोग कमेंट धराधर आने शुरू हुए ना, वीडियो पोस्ट करते ही, फोटोज पोस्ट करते ही, मतलब कि बस पूछो नहीं। तो मुझे लगा अच्छा सच में मैं इसको ऐसे ही इग्नोर कर रही थी, बहुत ही सुंदर है प्यारा सा है। इसका स्पेशली मुझे जो इसका घेरा है ना वो बहुत ज्यादा, इतना नॉर्मली किसी भी गाउन में जल्दी नहीं मिलता है। सो अगर जितने भी प्रोडक्ट अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगी अगर आप लोग को चाहिए तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाके ले लीजिएगा, ठीक है। सेकेंड जो है ये टॉप, समर के लिए अगर आप सोच रहे हो टॉप लेने के लिए तो आप ये वाला टॉप ले सकते हैं। बहुत ही अच्छा फैब्रिक है, प्योर कॉटन जो होता है ना वो वाला कॉटन है, जींस पे काफ़ी अच्छा लगेगा। और उन लोगों को जो मतलब शॉर्ट टॉप पहनना पसंद नहीं करते हैं वो जरूर लें इस टॉप को, क्योंकि इसकी जो लेंथ है ना वो थाई तक आएगी। सो काफ़ी अच्छा टॉप है और सामने ये फ्रंट पे ऐसे बटन लगा हुआ है जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा लुक आ रहा है। इसका सबसे अच्छा डिजाइन पता है क्या, ये यहाँ से ना ऐसे मतलब कि चुन्नट जो लगा हुआ है उनके मतलब वो वैसा टाइप का है कुछ, कि जैसे किसी का अगर टमी एरिया थोड़ा ज़्यादा है डिलीवरी के बाद थोड़ा सा टमी हो गया है, तो अगर वो इस टाइप के टॉप पहनेंगे ना या फिर सूट पहनेंगे कुर्ती पहनेंगे इस टाइप के, तो उनका जो टमी है वो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा, बिल्कुल मीन्स बिल्कुल नहीं। तो अगर आप अपना टमी भी छुपाना चाहते हो ना जैसे कि थोड़ा सा हाइड हो जाए पता ना चले, क्योंकि आजकल ना ऐसा हो जा रहा है कि डिलीवरी के बाद थोड़ा सा ना टमी जो है ना वो बाहर आ जाता है, तो इस वजह से तो आप ये टॉप जरूर ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा रहेगा आपके लिए। वैसे तो कोई भी पहन सकता है, सबके लिए सही है। एंड इसके स्लिप पे ये लगा हुआ है तो जिसको खींचने पर ना ये कुछ ऐसे बन रही है इस पर, तो ऐसा कुछ डिजाइन सा दिया हुआ है। काफ़ी अच्छा फैब्रिक है, मुझे इसका फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छा लगा समर के हिसाब से। प्राइस इस पर काफ़ी ज़्यादा दिखा रहा है बट वो प्राइस नहीं है, ये इसमें जो प्राइस है वो आपको डिस्क्रिप्शन जो लिंक है ना उस पर से मिल जाएगा। नेक्स्ट जो है वो मंगाया मैंने ये माइसेलर वाटर, गार्नियर का ही माइसेलर वाटर है। मुझे मतलब कि ये काफ़ी अच्छा लगता है, इसमें 60 यूज है, 125 ml है, ठीक है। गार्नियर स्किन नेचुरल से माइसेलर क्लींजिंग वाटर, अगर आप कोई माइसेलर वाटर लेना चाहते हैं तो ये वाला जरूर लेना, काफ़ी अच्छा मतलब इसका जो रिजल्ट है वो है काफ़ी अच्छे से क्लीन है, जैसे लिप एरिया हो या आई एरिया जो भी आपको मेकअप रिमूव करना है एक बार में शुन शुन क्लीन हो जाता है। आपने ऐड देखा है ना, तो अच्छा है वैसे ये माइसेलर वाटर जो है काफ़ी अच्छा है, तो ये भी मैंने मंगाया अमेजोन से ही। एंड एक ये फेस वॉश, ये मैंने न्यू मंगाया है, सॉरी ये फेस वॉश ये मैंने न्यू मंगाया है, अभी ट्राई नहीं किया है, इसको जब मैं ट्राई करूंगी तो आपको मिल जाएगा मेरे किसी इंटीग्रेटेड वीडियो में। सो अमेजोन से मंगाया हुआ है फॉर यूथफुल ग्लो एलोवेरा फेस वॉश विद एलोवेरा एंड अश्वगंधा, ये मैंने
ठीक है। तो वैसे मामा अर्थ के जो प्रोडक्ट होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं सच में सीरियसली गाइस, मैं मामा अर्थ के ही प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ स्किन पे भी और हेयर पे भी। परमानेंट मैं यूज़ करती हूँ और ओनली रिव्यू नहीं देती, मैं यूज करती हूँ। एंड ये जो है ना, ये शीट मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद है। ये देखो, जैसे कि बैम्बो शीट मास्क है मामा अर्थ का, ये कोको। तो ये सारे अलग अलग है, आप देखो, ये कोको है, ये नियासिनामाइड का है, और ये जो है विटामिन सी, मतलब सब जो है ना अलग अलग। जैसे कि कोई किसी को स्किन के जो भी यूज़ के लिए चाहिए वो वाला ले सकता है। राइस वाटर है, मतलब अगर डीप हाइड्रेशन चाहिए स्किन के लिए तो ये राइस वाटर वाला यूज कर सकते हो। अगर स्किन इल्यूमिनेशन करना है तो ये वाला विटामिन सी वाला ले सकते हो। मतलब सबका अलग अलग यूज, आपको जो चाहिए वो आप ले सकते हो। मैंने ये 6-7 मंगवाए हुए हैं। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है कि अपना फेस पे लगाया है ऐसे, अपना कुछ काम करना है काम करो, बस उसको हटाओ, थोड़ा सा हल्का सा मसाज करो, बस हो गया। सो गाइस, आज का जो वीडियो है हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, एंड करते हैं। एंड मुझे पूरा आशा है कि आपको जो पसंद आया होगा इसमें से कुर्ती, गाउन, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग जाइए चेक कीजिए, वहाँ से ले लीजिए। अमेजोन से शॉपिंग का मतलब है अपना कुछ जेब जो है ना उसमें बचत करना, जेब खर्च बचाना, मतलब जेब बचाना, मतलब पैसे थोड़े बचाने, क्योंकि वहाँ पे कुछ ना कुछ ऑफ मिल जाता है। सो गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।